नोएडा में आए दिन आपको कुत्तों के काटने की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन हाल में नोएडा के सेक्टर 75 के एम्स गोल्फ एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुत्ते के पोस्टर को हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने एक शख्स के साथ पहले तो अभद्रता की, फिर मारपीट तक उतर आई। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप एओ से बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। शाम का समय है और सोसाइटी में इस महिला ने एक शख्स का कॉलर पकड़ रखा है, साथ ही महिला शख्स पर चिल्ला रही है। शख्स बार बार कॉलर छोड़ने के लिए कहता दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद महिला इतना उग्र हो जाती है कि उस पर थप्पड़ मारने लगती है। वहीं साथ में खड़ा दूसरा शख्स भी महिला का साथ देने लगता है। फिर अगले ही पल महिला शख्स के बाल खींचने लगती है। दरअसल मामला सिर्फ इतना था कि दीपावली को लेकर सोसाइटी में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी बीच एक शख्स दीवार में लगे कुत्ते के पोस्टर को हटा रहा था, फिर क्या सोसाइटी की ही एक महिला अपना आपा खोकर शख्स पर हमलावर हो गई। मामला 20 सितंबर का बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में अब पीड़ित शख्स ने महिला आशीष सिंह के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया है, जिसकी जांच में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही महिला का कुत्ता खो गया था, जिसको लेकर उसने ये पोस्टर लगाया था। वहीं इसी के साथ सोसाइटी का एक और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ जहां महिला और शख्स के बीच विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पीछे बैडमिंटन खेलने में मस्त हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। आग लगे बस्ती में, हम तो हैं अपनी मस्ती में। इस वीडियो से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की शहरी दुनिया में लोग बस अपने में व्यस्त हैं। चाहते तो ये लोग बीच बचाव कर सकते थे, पर ये तो अपने में ही मस्त दिख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।